नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। दोस्तों, नाला सुपारा से एक ऐसे सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है जिसमें कहानी पूरी फिल्मी दिखाई पड़ रही है। कहानी की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है और परत दर परत कहानी नए मोड़ लेती है। ये कहानी एक ऐसे अवैध संबंध की कहानी है जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली तो वहीं मरने वाले की पत्नी को ही कातिल बना दिया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। दरअसल तस्वीर में मासूम सी दिखने वाली यह महिला, जिसका नाम मंसूरा खातून है, यह बड़ी सहजता से मीडिया को बयान देते हुए यह कह रही है कि उनके पति रियाज की हत्या की गई है जिसकी वजह उसका दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध होना है और इस मर्डर कांड की साजिश में वह भी शामिल है। एक तरफ यह बयान देती है कि साजिश में वह भी शामिल है तो वही खुद को बचाने के बयान के अगले हिस्से में यह भी कहती है कि जिस वक्त उसके पति की हत्या की गई उस समय वह हत्यारों के साथ नहीं थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वह अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती है, इसलिए खुलकर बोल रही है। यह औरत जहां इस तरह का बयान मीडिया को देकर अब तक सबको गुमराह करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अब पुलिस सूत्रों से सामने आई जानकारी में इस महिला के झूठ के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से सामने आई जानकारी पर चर्चा करें उसके पहले आपको बता दें कि नालासोपारा पूर्व पहलार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले दानी बाग स्थित गणेश नगर के रहने वाले रियाज नामक शख्स की दो दिन पहले संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला उस समय सामने आया था जब कुछ लोग इस रियाज नाम के मृतक की बॉडी को रिक्शे में डालकर नालासोपारा स्थित मनपा अस्पताल में लेकर गए और अस्पताल में कहानी गढ़ी कि हम सभी दोस्त कदम चौपाटी गए थे तभी वहां अचानक मृतक रियाज की मौत हो गई। चूंकि एक अकस्मात मृत्यु जो कि संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का मामला था, तब अस्पताल प्रशासन ने नालासोपारा तुलित पुलिस स्टेशन को खबर की। तुलित पुलिस स्टेशन ने अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू की। तब रियाज की पत्नी मंसूरा खातून ने एक स्थानीय चैनल पर बयान देते हुए कहा कि उसके पति की आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसके पति का मर्डर किया गया है। आगे आरोपी महिला बताती है कि उसका अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से पिछले 2 साल से अवैध संबंध चल रहा था जिसकी भनक रियाज को लग चुकी थी। रियाज का मर्डर मंसूरा के प्रेमी और उसके सहयोगी ने मिलकर किया। और तो और आगे ये औरत जिसका नाम मंसूरा है, ये कहती है कि जिस समय और जगह पर इस मर्डर की प्लानिंग की गई वहां उस समय वह खुद भी मौजूद थी। मंसूरा ने मीडिया को बकायदा मर्डर का प्लान बनाए जाने वाली जगह, ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, ये गाला भी दिखाया। आगे मंसूरा कहती है कि प्लानिंग कुछ दिन पहले की गई थी लेकिन जिस दिन मर्डर अंजाम दिया गया उस दिन उसके प्रेमी के सहयोगी उसके पति को अपने साथ कलम चौपाटी लेकर गए और वह खुद अपने प्रेमी के साथ जीवदानी मंदिर गई थी। शाम को जब वह सभी लोग कलम से लौटे तब उसके पति रियाज की मौत होने की बात सामने आई और जब रियाज की बॉडी पर नजर डाली तब महसूस हुआ कि रियाज को जख्म लगे हैं। इस हिसाब से रियाज का मर्डर हुआ है और अब मेरा जमीन जाग गया है, इसलिए मैं रियाज के खूनियों को सजा दिलाना चाहती हूँ। इस पूरी वारदात की प्लानिंग में मैं भी बराबर की भागीदार थी। मंसूरा के मीडिया को दिए इस बयान ने हर किसी को हिलाकर रख दिया और एक बार की सब लोग यह समझने लगे कि मंसूरा खातून को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। खैर, जब पुलिस की जांच शुरू हुई और पुलिस सूत्रों से कुछ जानकारी सामने आई तब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। दरअसल पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में यह सामने आया कि पुलिस ने जब मंसूरा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की तब मंसूरा ने मीडिया की ही तरह पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंततः मंसूरा ने यह कबूल कर लिया कि मर्डर की घटना के वक्त वह खुद कलम बीच पर साथ गई थी और मर्डर की प्लानिंग से लेकर मर्डर किए जाने तक हर समय वह उसके प्रेमी व सहयोगी के साथ आरोपियों के साथ मौजूद थी। हालांकि पुलिस विभाग का अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान या प्रेस नोट सामने नहीं आया है जिससे कि इस पूरी घटना की पुष्टि की जा सके। अब मीडिया को भी इस मामले की पुष्टि हेतु पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है और उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस मामले को लेकर पूरी तरह से सुलझाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी साझा करेगी। वीडियो में आगे सुनिए मंसूरा खातून द्वारा साथी एक चैनल को दिया गया बयान। क्या नाम है आपका? मंसूरा खातून। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? रियाज आली। कब हुई थी आपकी शादी? आपकी मेरे शादी 10 साल हो गए। 10 साल। अच्छा, क्या हुआ, हादसा किस तरह हुआ? हादसा हुआ सर, 2 साल पहले हम लोग प्यार हो गया था, चक्कर चल रहा था। किससे? गौतम से। गौतम कौन है? ये इधर ही पंडित है। अच्छा। इसे चक्कर चलने लगा सर, वो क्या बोल रहा था जब उनको मारवा दो
आपके हस्बैंड को हाँ, मारने के लिए बोला जब मारवा दो उनको हाँ। आपको मैं रूम जो मांगूंगा वो दूंगा रखूंगा। अच्छा हाँ सर, मैं बोले ना है, एक हफ्ते के बाद सर बहुत अच्छा पलन बना है, हाँ गुड किया, मैं भी शामिल हूँ सर उसमें। अच्छा, मैं भी शामिल हूँ। एक बात बताइए, ये जो है गौतम, ये करता क्या है? पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ पूजा पाठ करते हैं? हाँ, पूजा पाठ करते थे। ठीक है, इसने प्लान बनाया आपके हस्बैंड को मारने का? हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो मेरा हस्बैंड जब मारने के लिए प्लान बनाया, वो गौतम थे, मैं थे, दो चार आदमी और थे, तो नाम बोलो तो मैं बोल सकते दो तीन आदमी के नाम बोलिए। अनुज है, टेलर है, विनीत है। ये सारे कहाँ रहते हैं? साले इधर ही रहते हैं, पूरा बाजू में जहाँ पलन बनाए सर वो गाला में है, दो नंबर गाला में है, और मैं भी शामिल हूँ उसी में। हो गया तो मुझे बोला चलो घूमने चलते हैं, मेरे को जुदा नहीं लेके गए सर, और मेरे हस्बैंड को इधर कलम ब्रिज लेके गए। कब की बात है? अभी परसों की बात है सर। सारे के सारे एक साथ मिलकर के जीवदानी गए थे? हाँ, सर, मैं नहीं, हम लोग गौतम जी गए थे, और इन लोग जो ये लोग सब मिलके जो मरवा है सर, अनुज हो गए, टेलर हो गए, विनीत हो गए, जितेंद्र हो गए, इन लोग सब साथ में थे सर। वहाँ से आने के बाद सर मैं पूछ रहा हूँ, इन लोग आया जब मेरा हस्बैंड कहा है, तो उन लोग क्या बोल रहा है जब तुम लोग हस्बैंड आ रहे हैं, मार के पूरा तावा तो नास लेके आकर मुझे सामने दिया सर, और इमरजेंसी इतना धमकी दिया जो अगर तुम बोलोगे केस करने जाओगे ना तुमको पहले मारवाऊंगा। किसने बोला है? ये अनुज, वो पहले मुझे धमकी दे सर। मैं डर गई, मेरा भी गलती था, मैं भी डर गई, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, छोट छोट दो ठो बच्चा है बस सर। हाँ, अब इनसे आगे यही से बताओ जब मैं क्या कर सकते, कैसे लेके जीऊँगा दोनों बच्चा को लेकर सर, और ये पलन इन लोगों को मैं भी शामिल थी, और देखो चढ़ाने वाला शंकर पंडित है वो तम को चढ़ाने के लिए, और उसी में दौड़ भाग करके शामिल है सर। लेकिन आपको तो पहले से ही पता था कि आपके हस्बैंड के मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की? रोके सर, जब टेम्पो में प्लान बना के गया सर ना, तो मैं थोड़ा निकाली उनका हाथ पकड़ के, तो बोलता मैं घर को घूमने जाने मन है, तो टेंशन ना मैं एक घंटा में आऊँ सर, ये लोग जबरदस्ती लेके गए मेरे हस्बैंड को। अच्छा, किस तरह से इन्होंने आपके हस्बैंड का मर्डर किया? हस्बैंड कैसे मर्डर किया? अब सर ये नहीं, मैं तो थी नहीं, उन लोग ही बताएगा ना कैसे मर्डर किया, मर्डर करके लेके आया, सलिया से मारा है, चाकू वाकू से मारा है, खून उन बाहर थे सर, मैं आके देखा हूँ, घर पे थी मैं। उसके बाद आपकी इनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। जितने भी आरोपी थे जितने भी आरोपी थे जिन्होंने मर्डर करने का प्लान बनाया था, उनसे मुलाकात नहीं? मुलाकात दो तीन आदमी से हुआ, पंडित से, गौतम पंडित से हुआ, अनुज से हुआ, विनीत से हुआ, टेलर से हुआ सर, बाद बाकी किसी से मुलाकात मेरे से नहीं हुआ। फोन पे कोई बातचीत हुई? कुछ भी नहीं सर। तो आपका प्यार किस हद तक बढ़ गया था, मतलब कहाँ तक ये पहुँचा था कि कहीं आपको कोई ब्लैकमेल वगैरह कुछ कर रहे थे? ब्लैकमेल नहीं कर रहा था सर, मैं बोली नहीं करना है मुझे ब्लैकमेल, तुम ऐसे ब्लैकमेल कर रहे, आपको रूम दूंगा मैं, साथ में रखूंगा, मैं बोली सर मुझे नहीं रहना है। अच्छा, मुझे भी धमकी दे, जब इस बात में बोले सर तो मुझे धमकी दिया जाए, तुम ज़्यादा बोलोगे तुमको भी मार में फेंक दूंगा। ये कौन बोलता था? अनुज बोला, दो नंबर गाला में हुआ फैसला सर। कब की गई उनकी हत्या? हाँ? उनके आपके हस्बैंड की हत्या कब की गई? परसों। आपको कब पता लगा? 4 बजे पता लगा। फिर आगे क्या हुआ, फिर पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई? हाँ, पुलिस कंप्लेंट की, अनुज मना किया मुझे, तो कुछ बोलना नहीं भाभी, जितना पैसा लगेगा, जो लगेगा, जो मांगूंगा वो दूंगा। कौन बोलता है? अनुज बोला है मुझे धमकी। अनुज कौन है? अनुज जो प्लान बनाए थे ना, वही बीच में है, दो नंबर गाला में है सर। तो ये सारा बयान जो आपने हमें दिया, पुलिस को भी दिया है? नहीं सर, मैं डर गई थी सर, मुझे धमका दिया, उन लोग साथ में था, धमका दिया, मुझे हिलने नहीं दिया था सर। अभी आपको कोई डर भय वगैरह कुछ ऐसा है? नहीं, मेरे को डर नहीं है सर, यही सच है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे, एक बेटा है एक बेटी। आप उनके खिलाफ आरोपियों के साथ मर्डर का प्लान बना रहे थे, क्या आपके हस्बैंड को थोड़ा इसके बारे में भनक थी कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कभी उनको आपका जो किसी और के साथ जो नहीं जो रिलेशन नहीं आपका जो किसी और के साथ जो रिलेशन था उस पंडित के साथ, क्या आपके हस्बैंड को उसके बारे में जानकारी थी? जानकारी कुछ नहीं था सर। आपके हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि आपका किसी और के साथ संबंध है? नहीं था, हम लोग ही पलान किए थे, उनको पता भी नहीं था ना, तो नहीं जाते होते सर, उनको जबरदस्ती लोग लेके गए। ठीक, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।